गुड मॉर्निंग, मैं हूं नीलम। स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। और अभी समय हुआ है 11 बज चुके हैं। अभी घर से ही हम काम कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और उम्मीद है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और मंडे से ऑफिसेज खुल जाएंगे। अभी कुछ न्यूज़ नहीं आई है और इस समय हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का दिन। काम भी कर रहे हैं घर के, ऑफिस के भी काम कर रहे हैं। और आज जो खास होगा कि आज हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं कि लंच में क्या बनाएं। तो आज की हमारी प्लानिंग है कि हम अंडा करी बनाएंगे। अंडा करी बनाने के लिए प्रिपरेशन मैंने कर ली है। अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं और प्याज काट लिया है, हरी मिर्च काट लिया है, टमाटर काट लिया है। और अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाला है ताकि तेल गर्म हो जाए। इसके बाद हम कढ़ाई में अंडों को डालेंगे ताकि अंडा करी बनने के लिए अच्छे से फ्राई हो जाए। और हमारी ये अंडा करी बिल्कुल रेडी है। और लंच का ये टाइम है। लंच में हमने बनाया है अंडा करी, राइस और रायता, साथ में है सलाद में प्याज और ये आम और धनिया की चटनी। अंजी का अंडा करी कैसा बना है? टेस्टी ना। मैंने और पापा ने तो पहले ही खा लिया। और अंजी का लेट हो गई खाने में। क्यों लेट हो गई अंजी का? पढ़ाई कर रही थी। ओहो, पढ़ाई कर रही थी। पर अंडा करी खा रही है या खाली ग्रेवी ग्रेवी खा रही है? अंजिका को अंडा पसंद नहीं है ना, और सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी पसंद है। और चिकन में भी ग्रेवी ग्रेवी चिकन पसंद है। गाने भी बढ़िया बजे। और दिल्ली में आज मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है और बारिश के बाद का ये नज़ारा। कितने बजे तक बारिश स्टार्ट हो गई थी अंशिका? हम लोग कब निकले थे घर से? साढ़े चार। हम लोग उस टाइम थोड़ा मौसम बन रहा था कि बारिश हो गई होगी ना, उसके बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। हम घर से निकले 4-4:30 बजे के आसपास और हम गए दिल्ली के एंड पीर बाबा का की बाजार है, वहाँ पे मत्था टेकने। उसके बाद वहाँ से वापसी आ रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं डाबड़ी मोड़। और जैसे कि न्यूज़ में आ ही गया कि भाई मंडे से ऑफिसेस खुल रहे हैं, मॉल खुल जाएंगे, दुकानें खुल जाएंगी, तो मंडे से ऑफिस जाना ही है। जैसे डाबड़ी मोड़ बहुत पहले से कितना चेंज हो गया है ना, पहले भी यहाँ पे मार्केट ऐसी लगती थी फ्रूट्स की, अब काफी चेंज हो गया यहाँ पे। सब्जी तो नहीं लिया आज? नहीं, इसी दिन सब्जी वब्जी तो ली आई थी, आज तो कुछ नहीं लेना। फ्रंच का यहाँ पे लीची टेस्टी है। अंशी का लीची मजा आया। कितने खा लिए? गिने ही नहीं कितने खाए। खाने का काम। अभी हमने क्या क्या खरीदा? ये अंशिका ने लीची खा खा के लीची के जो छिलके हैं इसी में डाल दिया। इसमें है ये बूंदी के लड्डू और ये रस मलाई, घर जाके खाएंगे। और ये हमने लिए 2 किलो लीची। इस मौसम का पहला लीची लिया है ना हमने। हालांकि ठीक है, मीठा तो है ही। वाले दिखते हैं। पार्क में जाके तो मजा ही आता।
बाहर का फंक्शन है, आप देख लीजिए लीची बिक रही है। हाँ, नारियल लीची साला मैंने अभी पैक्ड करके रखा। क्या ये अभी नहीं खाऊंगी? तो लीची तो ऐसी चीज है, एक बार मुंह में लग जाए तो बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, इसलिए मैं नहीं खा रही, मैं घर जाके खाऊंगी। तब तक दो किलो में से एक पाव बचेगा, घर जाते आते सारे खत्म कर देगी। अभी एकदम बारिश का मौसम, अभी देखो धूप, देखो यहाँ छाया हो गई है ना, कहीं धूप कहीं छाव, बूंदाबांदी हो रही है, पर देखो ना मौसम अभी भी छाया छाया नहीं धूप भी। सूरज, हाँ सूरज महाराज जी, अब बारिश भी और धूप भी, ऐसे में रेनबो देखे। और हम बात कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि भाई बारिश भी हो रही है धूप भी है तो ऐसे में रेनबो ज़रूर निकलेगा। तो अभी द्वारका के हम दशहरा ग्राउंड है ये, और यहाँ पे ये रेनबो कैमरे में थोड़ा समझ में आ रहा है वैसे, ये देखो रेनबो वहाँ कोने से स्टार्ट होता हुआ, ओ अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हो गया, हमें थोड़ा सा आधा ही रेनबो नज़र आ रहा है वो, अगर हम ध्यान से देखें, अगर थोड़ा मैं जूम करती हूँ ये देखो, काफी टाइम के बाद ये रेनबो देखा। अभी हम हैं रामपल चौक पे, और ये है द्वारका में, और द्वारका में एक है राजू भाई के स्पेशल पिज़्ज़ा ऑमलेट, बाकी बहुत फेमस है ये, बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल में ये ऑमलेट बनाते हैं और खाने में बहुत ही लजीज होता है, राहुल को बहुत पसंद है ये, अक्सर यहाँ से ले जाया करते थे। आज जैसे ही हम द्वारका की तरफ आए तो उन्होंने कहा कि इनके पास चलते हैं राहुल के पास, जो कि स्पेशल पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाते हैं, तो अभी हम इनको ऑर्डर दे रहे हैं और हम यहाँ से ले जाएंगे और घर जाके ही हम इस पिज़्ज़ा ऑमलेट को खाएंगे, तब मैं आपको बताऊँगी कि देखने में इनका ये जो पिज़्ज़ा ऑमलेट है कितना खूबसूरत लगता है और खाने में तो बहुत ही लजीज लगता है। ये है ऑमलेट पिज़्ज़ा, इसकी प्रिपरेशन वो करता है अंडों से, ब्रेड से, और खाने में ये बहुत टेस्टी होता है, और इस ऑमलेट पिज़्ज़ा के साथ वो देता है ये टमाटर की चटनी। रात के 8 बज गए हैं और अब हम अपने इस व्लॉग को यहीं संपन्न करते रहें, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब नीलम चाहती है इजाज़त, नमस्कार।